अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मोहब्बत भरे सलाम के बाद मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ वाइट चिकन मलाई हांडी। तो देखते हैं कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने चिकन वॉश करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और मिल्क क्रीम आधा कप, दही आधा कप, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है तो आप ढक्कन लगा के रख सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल लिया है और पैन को इससे अच्छे से मैंने ग्रीस कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसमें शामिल कर दूंगी। एक एक दो दो करके हम रखते जाएंगे इसमें। फ्लेम को लो करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इसे। उसके बाद हम फिर ढक्कन उठाएंगे और इनको फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारी पक जाए ना। और इसके बाद दोबारा हम कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसी तरह हमारी दोनों साइड्स पक जाएंगे अच्छे से। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक का शोर आता है तो इग्नोर कर दीजिएगा। अब हमारी चिकन यहाँ पे गलने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा प्याज कटा हुआ, इसे 5 से 6 बादाम शामिल कर लेंगे। फ्लेम को लो करके इनको पकाएंगे हम 2 मिनट के लिए। कवर भी कर सकते हैं। दूसरी जगह पे हमने कोयला रख दिया है गर्म होने के लिए। कोयला हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसको स्मोक देंगे। मैंने यहाँ फॉइल पेपर रखा, कोयले के ऊपर हल्का सा ऑयल डाला और ऊपर से ढक दिया है। आप चाहें तो फॉइल पेपर की जगह पे प्याज का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा स्मोक हो चुका है और अब हम इसको रिमूव कर देंगे बाहर की तरफ और हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी दूसरा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर उसी पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल शामिल किया, 2 टीस्पून के करीब बटर डिसॉल्व कर दिया इनको। अब उसमें हरी इलायची 2 डाल दूँगी, फिर ग्राइंड हुए हुए 1/2 कप प्याज शामिल कर दिया मैंने इसमें, काली मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वही हमारा बचा हुआ मसाला जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मलाई चाहते हैं तो इसी पोजीशन पे दही और मलाई और भी शामिल कर सकते हैं। दूध 1/2 कप के करीब शामिल कर लिया इसमें, दूध से बहुत जूसी और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। शामिल करेंगे चिकन और कसूरी मेथी हाथ में मसल के 1/2 टीस्पून के करीब, इसके ऊपर छनक देंगे। देखिए भाई, तो माशाल्लाह से हमारी यहाँ पे हांडी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की हांडी बनी हुई है। अगर आप इसी तरह की और भी रेसिपीज देखना चाहें तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।